डंकी मूवी देखी भाई? यस भाई, थोड़ी देर पहले देखी, बहुत ही शानदार मूवी। क्या खास लगा भाई? फिल्म की कहानी, स्टोरी लाइन एक नंबर की है, क्या ही शानदार कहानी है। और अब पता लग रहा है कि भाई शाहरुख खान ने मन बना लिया था कि वो 2023 में हैट्रिक मारेंगे, मतलब उनको खुद पे यकीन था, इसलिए उन्होंने एक साथ 3 फिल्में साइन की, जवान, पठान साल, और ये क्या नाम है इसका, डंकी। भाई तीनों फिल्में, वो दोनों फिल्में जहाँ एक्शन से भरपूर हैं, और ये इसमें भी एक्शन है लेकिन कम है, इसमें क्लाइमेक्स में थोड़ा सा है, बाकी ये फैमिली एंटरटेनिंग है, ये कॉमेडी और इमोशंस का कॉम्बिनेशन है भाई, एक नंबर की फिल्म है यार। और जैसा कि अभी रिसेंट में एक एनिमल फिल्म आई थी तो लोग उसको कह रहे थे कि वो फादर पे बनी, लेकिन उसको फादर के साथ नहीं देख सकते, मतलब थोड़ा एडल्ट सीन थे, तो वो बात सच है कि वो एनिमल को लोग एडल्ट है तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और एक्शन भी ज़्यादा नहीं, लेकिन फैमिली एंटरटेनिंग है, और इसका क्लाइमेक्स आपको रुला देगा। इसमें शाहरुख खान के 3 लुक्स भी देखने को मिले हैं, क्लीन से एक हल्का हल्का बियर्ड है, और फिर लास्ट बूढ़ा वाला भाई दे जीत रहा, बल्कि जब फुटबॉल की दौड़ते हैं ना बूढ़े वाले अवतार में, मतलब टी शर्ट पहने, तो आपको ऐसा लगेगा तुरंत इमेजिन आप कर जाओगे DDLG का वो सीन जिसमें फुटबॉल ही दौड़ते रहते हैं, ऐसा लगेगा कि भाई सीन को यहाँ रिक्रिएट कर दिया गया, ऐसा लगेगा। बहुत ही कमाल का लगा यार, एक नंबर का फिल्म। विकी कौशल का काम कैसा लगा? विकी कौशल का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिल्म में ज़्यादा नहीं है, हो गया स्पॉइलर हल्का सा दे दिया, लेकिन कुछ वो नहीं है, लेकिन उनका रोल ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार काम है जितना भी है। और बाकी इसमें भवन ईरानी भी हैं, और एक पंजाबी जट भी है, मतलब उसका नाम नहीं पता उस एक्टर का, लेकिन उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया। इस मूवी को 5 में से कितने स्टार दिए? 5 स्टार। ओके सर, थैंक यू।